बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से 70 से ज्यादा गांवों में पानी, 70 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में डूबे, ग्रामीण पलायन करने को हुए मजबूर। प्रशासन की तरफ से सुविधा नहीं, ग्रामीणों का यह कहना है प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। सीतापुर के रेवसा इलाके का ये मामला, बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से 70 से ज्यादा गांवों में पानी भरा, साथ ही साथ तमाम ऐसे घर हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हैं, लेकिन ऐसे में ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। बारिश से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से 70 से ज्यादा गांवों में जहां एक तरफ पानी भरा है, वहीं बताया जा रहा है कि 70 से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं पूरी तरह से। ऐसे में लोगों को अपना आशियाना छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा है, ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हुए हैं। लेकिन राहत कार्यों की यदि बात की जाए तो अभी तक कोई राहत, कोई मदद ग्रामीणों तक नहीं पहुंची है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं पहुंची है। सीतापुर के रेवसा इलाके का यह पूरा मामला। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अबरार अली जुड़े हुए हैं। जी अबरार, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, सीतापुर में जिस तरह की स्थितियां हुई हैं, माना जा रहा है कि बारिश का पानी भारी मात्रा में तमाम गांवों में घुसा है और साथ ही साथ 70 से अधिक घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं, ऐसे में लोग किस तरह से वहां पर अपनी जान बचा रहे हैं? दूसरी बात, प्रशासन की मदद की यदि बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी अबरार, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी अबरार, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको सीतापुर से खबर लगातार बता देते हैं, बाढ़ के पानी से परेशान है तमाम ग्रामीण। बताया जा रहा है कि 70 से अधिक गांव में ये पानी भरा है और सीतापुर के लगभग 70 से अधिक घर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ग्रामीणों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की मदद की बात की जाए तो ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि प्रशासन की ओर से अभी तक ना ही कोई राहत सामग्री, ना किसी प्रकार की मदद उन तक पहुंचाई गई है। जलस्तर बढ़ने से 70 से ज्यादा गांवों में पानी और उसके बाद एक बार फिर से बात करेंगे राजधानी